नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एआर किचन में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 1 कप पोहे से बनने वाली नाश्ते की रेसिपी। ये नाश्ता आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये नाश्ता बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट बन के तैयार होता है और इसे बनाने के लिए कोई भी चीज़ हमें बाहर से नहीं लानी पड़ेगी। सारी चीज़ें घर में आसानी से मिल जाती हैं। अगर आपके घर में कुछ बनाने के लिए ना हो तो आप इस नाश्ते की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इस नाश्ते को बच्चे और बड़े बहुत ही पसंद से खाएंगे। मेरी रेसिपी को अंत तक देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए पोहे से बनने वाली इस रेसिपी को शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए एक मिक्सर जार लेंगे। अब इसमें 1 कप पोहे डाल देंगे। यहाँ पर मैंने पतली वाली पोहे का इस्तेमाल किया है, आपके पास मोटी हो वो भी ले सकते हैं। मेजरमेंट के लिए आप 1 कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा, सारा मेजरमेंट उसी से लीजिएगा, तब आपका नाश्ता परफेक्ट बनेगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप सूजी, 1/4 कप बेसन डालेंगे, 1/4 कप दही डालेंगे। दही अगर थोड़ी खट्टी होगी तो हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। 3 हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। साथ ही 6 से 7 लहसुन की कलियों को छील कर लेंगे। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। कलर के लिए डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। 1 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी डालने से हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालने की वजह से हमारा नाश्ता जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे। अभी हम 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब मिक्सर जार का ढक्कन लगा कर इन सारी चीज़ों को हम बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। ठीक इसी तरह बारीक पीस कर हमें तैयार कर लेना है। अब इस बैटर को हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मिक्सर जार में बैटर लगे हुए हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे अच्छी तरह से खंगाल कर बैटर में डाल देंगे। मिक्सर जार को खंगालने के लिए करीब मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। अब बैटर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ढोकला के बैटर की तरह बनाकर तैयार करना है। हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही रखनी है। अब इसे हम प्लेट से ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। 10 मिनट बाद ढक्कन हटाकर बैटर को चेक करेंगे। सूजी के पानी सूखने की वजह से हमारी बैटर जो है थोड़ी गाढ़ी लग रही है। बैटर को परफेक्ट बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। अब अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे। इसे हम एक ही डायरेक्शन में लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए फेंटेंगे जिससे कि हमारा बैटर जो है बहुत ही फ्लफी बनेगा। 1 मिनट फेंटने के बाद हम देखेंगे कि हमारा बैटर काफ़ी फूला फूला हो जाएगा। इस प्रोसेस को करना ज़रूरी है क्योंकि इसी प्रोसेस की वजह से हमारा नाश्ता जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब इसमें हम 1 इनो का सेसे डालेंगे। आप इनो की जगह पर बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनो को एक्टिवेट करने के लिए इनो के ऊपर हम 1 से 2 बड़े चम्मच पानी डालेंगे और जल्द ही इसे फेंट लेंगे। इनो के वजह से हमारे बैटर में हल्की सी जाली आ चुकी है। इस प्रोसेस को हमें जल्दी ही करना है क्योंकि इनो डालने के बाद इसे हमें तुरंत ही स्टीम करने के लिए रखना होता है। नाश्ते को स्टीम करने के लिए यहाँ पर मैंने स्टील के प्लेट को पहले ही से स्टीम करके तैयार कर लिया था। अब इसमें बैटर को डाल देंगे। बैटर डालने के बाद थाली को टैप टैप कर देंगे जिससे कि बैटर थाली में अच्छी तरह से फैल जाए। अब इसे लाल मिर्च से गार्निश कर देंगे जिससे कि ये देखने में अच्छी लगे। अब इसे हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए यहाँ पर एक बर्तन में पानी बनने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर हम प्लेट को रख देंगे और रख कर इसे 15 मिनट के लिए ढक कर स्टीम करेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे। 15 मिनट बाद ढक्कन हटा कर इसे चेक करेंगे टूथपिक से। टूथपिक क्लीन है, यानी हमारा जो नाश्ता है बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बन के हमारा नाश्ता तैयार हुआ है। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तब इसकी हम कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग ठंडा होने पर ही करेंगे, नहीं तो ये टूटने लगेगा। अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, इसकी हम कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग आप अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं।
इसे आप स्क्वायर या ट्रायंगल शेप में कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद अब इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए तड़के पैन में एक बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल जब गरम हो जाएगा तो उसमें आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने डालकर चटकने देंगे। सरसों के दाने चटकने के बाद अब इसमें 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे, 2 हरी मिर्च डालेंगे, साथ ही 8 से 10 करी पत्ते डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को कुछ सेकेंड के लिए पका लेंगे। तड़का लगाने की वजह से हमारे नाश्ते का टेस्ट बढ़ जाएगा। कुछ सेकेंड पकाने के बाद अब तड़के को हम नाश्ते के ऊपर डाल देंगे। तड़के को नाश्ते के चारों तरफ अच्छी तरह से डाल देंगे। ये हमारा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये कितने जालीदार है। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस नाश्ते को खाने के बाद पेट बहुत देर तक भरा रहता है। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।